हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवराज म्यूजिक एंड फिल्म्स। तो यारो, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो, आर्टिस्ट वीडियो जिसे कहते हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो थर्माकोल के जो डिज़ाइंस बनते हैं, थर्माकोल के जो गुम्बद बनते हैं, थर्माकोल के जो प्रोजेक्ट बनते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। पहले उसमें से एक आज आपको लेके आऊँगा, एक दिखाने के लिए, एक वो चीज़ जिसे आप देखिए। पहले ये स्क्रीन पर ये गुम्बद है, ये ईद मिलादुन्नबी यानी कि हमारे मुस्लिम भाइयों के समाज में जो त्यौहार होता है उसमें यूज़ होते हैं ये जो गुम्बद है। और आज मैं ये बताऊंगा कि गुम्बद ये कैसे बनाया जाता है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए जो सामान, जिसे एसेसरीज कहते हैं, जो सामान है वो सामान आप, मैं आपके सामने देखो दिख रहा है। तो वो क्या क्या लगेगा? ग्रीन पेंट, एशियन का प्लास्टिक पेंट बोला जाता है इसको, ऑयल पेंट यूज़ नहीं करना है, थर्माकोल के ऊपर ऑयल पेंट यूज़ नहीं होता है, थर्माकोल उससे जल जाता है। तो सिर्फ वाटर पेंट यूज़ करना है और वो भी प्लास्टिक या तो वाटर पेंट, ठीक है। तो एक ये हो गया, और उसमें अभी एक सीजर लेनी है, ब्रश लेने हैं, पेन लेने हैं, कटर लेने हैं। कटर ये जो है ये आप किसी भी धार वाला जिसे कहते हैं, या वो हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा, या तो आप किसी भी जो छुरी वगैरह जो धार करते हैं उससे आप बना सकते हो इस तरह का कटर वी शेप में। देखिए मैं आपको क्लोज में दिखा दूं, देखो ये है, इसे आप बना सकते हो इजीली। ये मात्र कम से कम कीमत में 50 रुपये में बन जाता है, 50 से 60 रुपये में ये बना सकते हो आप। एक जेल पेन लेना है, एक कटर लेना है, इस तरीके का कटर है, स्टेट कटिंग के लिए यूज करते हैं हम इसे, ठीक है। एक 4 फुट की स्केल लेनी है, ये तो मैंने बनाई हुई है, आप इसे स्टील की भी यूज कर सकते हैं। और मार्केट में हार्डवेयर की जो स्टेशनरी की दुकान है उसमें 4 फुट की स्टील की पट्टी अवेलेबल मिल जाएगी। और एक 2 फुट की पट्टी लेनी है, ये देखो ये 2 फुट की पट्टी दिखा दूं आपको। एक राउंडर लेना है जिसे हम प्रकार, वर्तूल और कंपास कहते हैं, वो लेना है। एक मेजर टेप हो गई जिसे हम मापा जाएगा मेजर टेप से। गोल्डन कलर लेना है, ये 200 रुपये के मात्र कीमत में मिल जाता है, एशियन पेंट रॉयल का है ये। चौक लेने हैं, ये चौक कोई भी स्टेशनरी दुकान से मिल जाएंगे 10 रुपये की कीमत में। ग्लू स्टिक लेनी है, मात्र ये 4-5 रुपये में एक आती है। गन लेनी है, इसके साथ एक गन लेनी है, गन आपको मात्र 300, 400, 500 जैसा आप चाहो वैसा आप ले सकते हो, ये उतने में मिल जाएगी कम से कम। ये तो है अभी 450-500 की है ग्लू गन। और फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो ग्लू गन है ये इलेक्ट्रिक से चलती है, इसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई में डाल के और बटन चालू करते हैं तो चालू होती है, हीट होती है, हीट में ये मेल्ट होती है, इस तरीके से ट्यूब डाली जाती है चैम्बर में और वो मेल्ट होकर बाहर आती है, तो ये ट्रिगर से वो बाहर आती है। तो प्लीज़ मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ और बात कि बच्चों से दूर रखिए, इससे हाथ जल जाता है और ख़ास करके बच्चों का तो बहुत ज़्यादा जलता है, तो इसके लिए प्लीज़ आप बच्चों से दूर रखिए, इसे बच्चों के साथ मत कीजिए काम। ये कटर भी बहुत ही डेंजर है, इसे भी बच्चों से दूर रखिए। और ये सीजर्स हो गए, कटर्स हो गए, और ये शोल्डर हैंड, ये भी बच्चों से दूर रखिए, क्योंकि ये जो काम करोगे आप बच्चों को पास में रखे मत कीजिए, क्योंकि ये काम में इलेक्ट्रिशियन और कटर्स वो सब यूज़ होते हैं। तो आप ये बच्चों के साथ मिलके या बच्चों को साथ मिला के बैठ के मत कीजिएगा काम प्लीज़, और ख़ास करके बच्चों के लिए कि बच्चों को मत सिखाया जाए ये काम। कम से कम 14-15 के ऊपर के जो बच्चे हैं वो उनके लिए है ये, तो वो सीख सकते हैं, या तो फिर जो आर्टिस्ट है उनके लिए, या तो वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो भाई फिर से बोल रहा हूँ, बच्चों से संभालिए इस चीज़। और लेना है देखिए साथ में एक शोल्डर हैंड, ये आपको कहीं भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा, ये इसकी कीमत मात्र कुछ 200-150 के आसपास होती है, ये देखिए 150 के आसपास या 200 के आसपास होती है, ये भी लेनी है आपको। धागा लेना है,
देखिए नॉर्मल सा धागा है, कोई भी गुंडी ले लीजिए, कैसे भी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ब्लैक कलर। तो भाई ये सब हमारी आगे एक्सेसरी। अब ये जो औजार हैं, अब इस औजार से हम बनाएंगे गुम्मत, जिसे हम गुम्मत कहते हैं, थर्माकोल का जो बनाया जाता है। तो अब वो बनाएंगे, तो वो बनाने के लिए देखिए पहले अभी उसमें एक राउंडर रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जो गुम्मत के नीचे जो दो तीन जो रिंग लगे हुए हैं, वो रिंग को कैसे बनाया जाता है, इससे, वो इससे बनाया जाता है, इस तरीके से रखे। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं, डिजाइन के हिसाब से और मॉडल के हिसाब से बनाना है, साइज के हिसाब से। ये देखिए इस तरीके से बनाना है इसे, ये राउंडर का काम है, देखो इस तरीके से बनाना है, और फिर इसको कट भी कर लेना है। और कट करने का तो इजीली है, ऐसे रख के आप कट कर सकते हो, इजीली कट हो जाता है। देखिए ये कटर से इसे कट कर लेना है, देखो ये देखो ये हो गया कट, कटर हम यहां रख देंगे, ये देखो हो गया कट। तो इस तरीके से कट करना है, ये राउंडर, ये जो कटर है वो इसीलिए यूज आता है और राउंडर इसके लिए यूज आता है। तो अभी हम बनाएंगे गुम्मत, और गुम्मत बनाने के बाद फिर मिलते हैं। अब ये देखिए हमने पीस कट कर लिया है, अब इस भाग से इस भाग को हम रेश एक लाइन खींचेंगे, जिसे हम रेस कहते हैं, उसको लाइन खींचा जाएगा, यहाँ से यहाँ कोने पे भी खींचेंगे, हम क्रॉस लाइन बनाएंगे ताकि इस सीट का सेंटर आ सके। ये देखिए अब हमने क्रॉस लाइन खींच ली है, क्रॉस बना दिया है चारों कोने से ज्वाइन करके। अब हमें ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमें मिल गया है, अब इस सेंटर पॉइंट से रख के हम राउंड कटिंग करेंगे, इसे राउंड कटिंग कर लेंगे। एक्चुअली हम तो काफ़ी सालों से काम ये कर रहे हैं, तो हमें राउंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम तो धागे से या इससे मार्किंग कर लेते हैं, तो धागे से राउंड बनाते हैं, मतलब हाथ से ही हम कर लेते हैं, तो हमें तो आदत हो गई है। आप इसको राउंडर से यूज़ कीजिएगा, कि अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो राउंडर से आप यूज़ कर सकते हो, राउंड बना सकते हो। तो इसे हमें तीन रिंग बनानी है, और तीन रिंग की हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। ये देखिए मैंने राउंड तैयार कर लिया है, और राउंड किस तरीके से तैयार किया है, ये देखिए ये धागा है और ये है पेन, मैंने इसको इसमें लिया है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, इस तरीके से लेके यहाँ रखा है, और एक पॉइंट हमें यहाँ रखना है, तो यहाँ सेंटर बांध लेना है, और वो पेन से आप मार्किंग करके जितना बड़ा चाहें उतना ही बड़ा आप राउंड खींच सकते हैं। ध्यान रहे ये धागे की मार्किंग जो की हुई है वो फिक्स होनी चाहिए, और पेन की मार्किंग जो है वो फिक्स होनी, पेन बांधा हुआ फिक्स होना चाहिए, और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो भी फिक्स होना चाहिए, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चारों तरफ घूमने वाला चाहिए, ना कि गार्ड मारी हुई चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये पेन के अंदर लगना चाहिए, देखो इस तरीके से, गार्ड बांधी हुई नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो मूवेबल नहीं होगे। दोनों तरफ के जो पेन है वो इस तरीके से होने, दोनों तरफ एक सेंटर पॉइंट में आएगा, और यहाँ पर राउंडिंग मार्किंग के लिए होगा, तो मार्किंग के लिए होगा वो इस तरीके से होना चाहिए, ना कि गार्ड बांधी हुई नहीं चाहिए, वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अंदर से इस तरीके से घूमना चाहिए। ये देखिए मैं पास से दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से फ्लेक्सिबल चलना चाहिए वो। ये देखिए अब मैंने तीनों मार्किंग कर ली है, ये देखिए अभी मैंने तीनों मार्किंग कर ली है, तीनों रिंग की मार्किंग हो गई है, अब हम ये तीनों रिंग को कट करेंगे, इसके बीच से कट करेंगे तीनों रिंग को
अलग अलग करेंगे। अब ये कट कर ली है मैंने रिंगे, देखिए ये कटिंग हो गई है, तीनों रिंग अलग अलग हो गई है। देखिए अब हमने तीनों रिंग बना ली हैं और तीनों रिंग को इस तरीके से बना के अब हम एक के ऊपर एक ज्वाइन कर देंगे। अभी इस तरीके से बॉक्स की जो मदीने का नीचे का गुम्मत है, जो मदीने का जो नीचे का भाग है वाइट वाला, सफ़ेद वाला जिसे बोलते हम, उसकी मार्किंग इस तरीके से करेंगे और फिर उसे काटेंगे। अब हम इसे तीन पीस और काटेंगे। अब ये हमारे चार पीस हो गए तैयार कटिंग करके। मदीने के जो नीचे के सफ़ेद का भाग था वो, ये चार पीस कटिंग हो गए। अब आगे करेंगे गुम्मत का डिज़ाइन, और गुम्मत कैसा बनाएंगे वो देखेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हमने ये लगा दिया है। ये देखिए ये बॉक्स के अंदर हमने कटआउट लगा दिए हैं जिससे मजबूती बॉक्स को मिलेगी। उसी तरीके से हर बॉक्स के अंदर बॉक्स मजबूती हमें देनी है कटआउट लगा के, और कटआउट कम से कम 15 से 20 mm का होना चाहिए। अब इसे राउंड में कटर से वी शेप का जो कटर है उससे काट लेंगे। ये हो गया राउंड। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर रिंग, जो मदीने का नीचे का जो गुम्मत है जिसे हम सफ़ेद भाग भी कहते हैं, तो इस तरीके से हम अभी लगाएंगे हम। रिंग्स जो नीचे का भाग है वो इस तरीके से लगेगा अभी। अब हम इसे चिपका लेंगे। अब हमने लगा दिए चारों तरफ रिंग्स, देखो यहाँ पे भी लग गई और यहाँ पे भी लग गई और इस तरफ भी लग गई, तो ये चारों तरफ रिंग हमने लगा दी है। अब ऊपर की डिज़ाइन तैयार करेंगे। अब हम इस तरीके से ये जो पीस है इस तरीके से हम चारों तरफ लगा के थर्माकोल का एक और पीस लगाएंगे। इस तरीके से कटिंग करके चारों तरफ से लगा के चौकन पीस हम उसको बॉक्स तैयार करेंगे अंदर, जिसके ऊपर गुम्मत यहाँ बैठेगा। अब हमने इस तरीके से रिंग के अंदर ग्रीन कलर भर लिया है चारों तरफ से। देखिए ये चारों तरफ से ग्रीन कलर भर लिया है। अब हम ऊपर का जो हिस्सा है, जो ऊपर गुम्मत बनेगा वो ऊपर का हिस्सा, हम इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो तैयार करेंगे मदीने का। अब भाई एक और बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, कि जो एक शीट आती है ये, वो एक शीट हमारी 19 इंच बाई 3.25 फुट की होती है। ये हमारी रेगुलर साइज़ है। कहीं भी चले जाओ आप, हिंदुस्तान की कोई भी कोने में चले जाओगे तो जो स्टेशनरी की जो दुकानें जहाँ थर्माकोल मिलता है वो यही साइज़ का मिलता है, 19 बाई 3.25 फुट। तो इसी तरीके से ही मिलेगा आपको ये, तो उस तरीके से ही चलना है। अगर यह कोई बड़ी चीज़ है, कोई जहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा मतलब थर्माकोल लग रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, दो शीटों को ज्वाइन कर लेंगे ये ग्लू गन से, ग्लू पेस्ट से। और ये जो थर्माकोल का पीस है इसे हम रेगुलर साइज़ बोलते हैं। देखो अभी मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का हो गया है, लेकिन जो एक रेगुलर साइज़ आती है उसको हमने ज्वाइन करके 1 बाय 1 मीटर किया है। अब हम तैयार करेंगे गुम्मत का ऊपरी भाग, तो बेस जो है उसे हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इसे हम इस कोने से थोड़ा थोड़ा
दो दो एक एक इंच छोड़ लेंगे। उस तरीके से चारों तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग से हम ये जो कोना है ये छोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे चारों तरफ से और उसे कटिंग कर लेंगे। अब हमने ऊपर का जो गन अपना गुम्मत का जो बेस है उसके ऊपर जो लाइनिंग की है जितनी भी क्रॉस, अब जितनी लाइनिंगें की हैं हमने उतनी ही हमें पीस ये कटिंग करने हैं, जितनी लाइनिंग इसमें मारी है हमने उतने ही पीस कटिंग करने हैं। देखिए अब कर ली हमने मार्किंग, ये मार्किंग हो गई है, मार्किंग हो गई तैयार, अब इसे कट करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से गुम्मत तैयार कर लिया है, ये पट्टियां लगा ली हैं। अब इसको कवर करने के लिए इस तरीके का पट्टा काटना है इस तरीके का, और उसको उसके ऊपर कवर करते जाना है, शेप टू शेप कटिंग करके उसको पूरे गुम्मत को कवर करना है तो पूरा गुम्मत तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा गुम्मत कवर हो गया है, लास्ट पट्टी रह गई है उसको भी हम कवर कर लेंगे अभी, और इसके बाद इसके ऊपर मोल्डिंग मारेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो ये पूरा हो गया अभी तैयार गुम्मत, कलर के साथ जो मैंने पट्टी बोली थी वो पट्टियाँ ये है, ये इसके ऊपर पैक हो गई हैं और इसके ऊपर मोल्डिंग लगा दी हैं, और देखो नीचे भी है पैक हो गया है पूरा, देख लीजिए पूरा ओके और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनाया होगा, तो भाई ये बनाया ऐसा है कि पहले ये थर्माकोल को जाड़े थर्माकोल से कटिंग करके इसको कोर के कर दिया है काम, लेकिन इसके अंदर ये स्टेबल करने के लिए मैंने इसके अंदर रॉड डाला है, एक वेल्डिंग रॉड जिसको बोलते हैं, वो पत्रे का रॉड आता है, वो कहीं भी आप कहीं से भी ले सकते हो उसको, हार्डवेयर से वो मिल जाएगा ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रॉड लेके इसके अंदर डाला हुआ है और उससे स्टेबल किया है इसको। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक कल्याणी, आप लोगों का आर्ट डायरेक्टर, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो खुद मैंने अपने हाथ से बनाई है, खुद अपने हाथ से काम किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा जो मैंने अभी थर्माकोल से आपको एक गुम्बद बना के दिखाया है, हमारे जो डेकोरेशन का काम था जो जिससे प्रोजेक्ट बनाए जाते अभी वो तो आपको मैंने दिखाया, वो वीडियो का आपने देखा आपने किस तरीके से मैंने वो बनाया है। तो भाई मेरा तो काम पूरी मुंबई में ही चलता है, मेरे तो काफ़ी दूर दूर तक प्रोजेक्ट जाते हैं, यहाँ से समझ लो कि गुजरात राजस्थान दरभंगा और यूपी, ये सब जो हमारे मुस्लिम भाइयों का जो त्यौहार आता है ईद मिलादुन्नबी है उसका ही काम है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी दूर दूर तक बन के जाते हैं मेरे तो। तो भाई मेरे तो वर्कशॉप भी है आप लोगों के लिए, और जो थर्माकोल आर्टिस्ट जो सीख रहे हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं थर्माकोल के लिए, और जो थर्माकोल को कटिंग करना सीखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जो अपने काम में इसको लाना चाहते हैं, जो ये काम को सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो था भाई। तो अभी चलते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय भारत।